हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये लाइट ऑफ क्यों हो गया? और हम अभी रिसेंटली ट्रैवल तो करने ही वाले हैं, तो हम सोच रहे थे कुछ फिल्म करने का, मतलब खुद को, क्योंकि अब तो ऑर्डर डालना पड़ेगा जो हम डिसीजन लिए खुद से। तो हम सोचे क्यों ना कुछ रिसर्च करते हैं, कैसे, मतलब अभी हम फिल्मिंग का ये दुनिया में नया है कि कैमरा कैसे हैंडल। हम हमेशा ऐसे काम किए हैं, मतलब कि बस कुछ हमको वीडियोस भेजा जाता था, उसके साथ वर्क करके उसको अच्छा बनाते थे, पर कभी खुद से हम आज तक फिल्म नहीं किए। फोटो लेना अलग बात होता है, बट ऐसा अच्छा कैसा शॉट लिया जाता, अच्छा एंगल कहाँ से रहता, वो सब मेरा मेरे लिए नया था। तो अभी हम रिसेंटली ट्रैवल करने वाले हैं, तो हम सोचे कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ अलग अलग करने का ट्राई करेंगे ही करेंगे। और सोचो, एग्जांपल ले लो, हम कहीं, जैसे एग्जांपल ले लो, हम कोलकाता जा रहे हैं, ठीक ना? तो अगर सोचो वहाँ पर हमको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, तो उन लोग को शोकेस कैसा करना है। तो मेरे को रिकमेंडेशन में ये कुछ दिन पहले आरएम का ब्लॉग दिखा, ठीक ना? तो हम सोचे क्यों ना बेस्ट से सीखते हैं कि ये लोग कैसा करता है। तो हम ये नहीं देखने जाएंगे कि ये लोग कैसा करता है, बट हाँ, वो लोग कैसा अप्रोच करता है एक ब्लॉग को, आरएम, वो भी 9 डे लॉन्ग ब्लॉग को, ये इतना श्रिंक करके दिखाया है। तो अप्रोच देखेंगे और सीखेंगे ये लोग कैसे, मतलब टेक्निकल टर्म्स तो है और बीटीएस है, तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे। वो लोग ऐसे ही इंटरटेनिंग रहता है, और ये आरएम का ब्लॉग है तो कुछ बोल नहीं सकते, वो तो मतलब ज़्यादा जोक वोक मारता नहीं है, बट लेट्स गो, लेट्स चेक। हाय, Kommst Milano로 출발을 합니다. 잘 다녀오겠습니다. 오, lovely shot. 왔습니다, 밀라노. एक चांस तो फ्लाइट में ट्रैवल हम जब भी किए ना, रात में किए, तो मेरा एक बहुत ये नेगेटिव इम्प्रेशन है कि भाई दिन को नहीं कर पाया है, कि मतलब वो सनसेट व्यू हमको देखना है कभी। तो एकदम रात को डार्क रहता, नाइट सिटी, एकदम गूज़बम्प्स दे दिया था मेरे को। जो हम जब ट्रैवल कर रहे थे नाइट सिटी का, एकदम जो फर्स्ट टाइम जब ट्रैवल किए थे, एकदम जो ऊपर से जो व्यू आता है ना, ओ माय गॉड, जब हम एकदम, बताए किस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल किए थे, हम एकदम शाम के 5:30 बजे, 4:30 बजे, 4-5 बजे के आसपास मेरा बोर्डिंग हुआ था। फिर जब हुआ ना, जब एकदम अंधेरा, एकदम थोड़ा सा लाइट था, ठीक ना, सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका था, बट धीरे धीरे जो लाइट जलना चालू हुआ ना, सिटीज ब्राइट होना चालू हुआ, वो देख के मेरे को लिटरली गूज़बम्प्स आ गया था। हम उस समय इतना हम मतलब इमर्स हो चुके थे वो देखने में, हम सोचे भी नहीं कि फोन निकाल के रिकॉर्ड करें, वो हमको करना चाहिए था, बट ओ माय गॉड, जो फीलिंग आया था ना मेरे को। हमको वो ये सनसेट भी देखना है एक हाइट से। अरे अरे, आरएम जो केस यूज कर रहा है ना, सिमिलर, मतलब सेम केस ही हम यूज किए हुए हैं। ये मतलब फोन दूसरा था, पर सेम केस, एग्जैक्ट सूट केस, केस बोलते थे हम उसको, एकदम सेम केस यूज किया हुआ, हम सिल्वर कलर में ही था। मिलानो에서의 첫 식사라고 자막이 나와 계십니다. हम एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, हमको बहुत सारा चीज़ दिमाग में चल रहा है, बट जनरली तुम ये सब फूड देख के ना, मतलब बहुत कुछ जलस होता है कि ये देखो इतना, ये लोग ये खा रहे हैं, रिच पीपल। हम जनरली बोलेंगे हम घर में इससे अच्छा खाना खाते हैं भाई, इसमें फ्रूट काट के और बस ब्रेड्स है और एक अंडा रखा हुआ है, सोच रहे हो? ये तुमको अगर घर में कोई लेके दोगे ना, तो फेंक दोगे लिटरली। बहुत कोई ऐसा जेन्युइन देखे, मतलब कि ये चीज तुम्हारा, तुमको मम्मी लाके या कोई रिलेटिव घर घर में जाके जाके तुमको ये चीज, तुमको कोई पकड़ाएगा ऐसा इंडियन, ऐसा
मतलब फूडी इंसान, कोई पकड़ाए करना, तुम एकदम डिसइंटरेस्टेड हो जाओगे कि तुम ये चीज तुम जाके बाहर जाके खाओ। पता है हेल्दी है, बट जेन्युइन वो जेन्युइनली बोलेंगे कि ये फूड से मेरे को एकदम ना भाई। एक ब्रेड पड़ा हुआ है, बड़े कितना टेस्टी ब्रेड हो, सॉफ्ट ब्रेड हो, पर ब्रेड ब्रेड होता है। एक अंडा है बॉईल किया हुआ, और ऐसा लग रहा है टमाटर में मेयो छिड़का हुआ और कुछ घास फूस है और कौन सा है, और ये एप्पल लग रहा है या कुछ और हो सकता है। तो जेन्युइनली नो सिंपैथी मेरे तरफ से। एक सेकेंड, ये पीछे जो सॉन्ग चल रहा है वो कौन सा सॉन्ग है? जंगो का वॉइस है ये? नहीं पता किसी, अगर जेन्युइनली कोई यहाँ पर जानता है पीछे साउंड कौन सा चल रहा है कमेंट कर। आरएम का बाल, आरएम लिटरली वो स्टेज पे बाल पे है जो ना बड़ा है ना छोटा है, ना पीछे जाएगा ना सीधा रहेगा, तो अंडरस्टैंडिंग। जनरली ये स्टेज बाल का बहुत इरिटेटिंग होता है। तो ये फिल्म मिला। ओ ओ일부러 자연 채널을 아예 망해버린 것 같고, 여기서부터는 약간 본인이 안정을 찾아갈 때니까 그렇게 하지 않았을까 싶어. 그 야트 막 너무 디센트러스트 약간 제뉴인 넥스트 레벨 때. 친구가 사줬습니다. 오, 오호, 오호, 네, 플리즈, 노, 돈 터처 미. स्किप स्किप कर रहे हैं, हम स्किप कर रहे हैं। हाँ गुड कट भाई, वो टॉर्चर था मेरे लिए। वाह ये कितना रोमांटिक प्लेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बोलना चाहेंगे। ये टॉर्चर करने पे मेरे पे क्यों तो रहा आ रहा अच्छा। हूँ।하면서 안부를 물어 And I answer 난 여전히 삶의 인질 죽지 못해 살진 않지만 뭔가에 묶여있지 나도 너처럼 어딘가 두드릴 수만 있다면 온 세상에 진하게 입맞출 수 Nice editing, man. I'll shout with you the first time. Okay. I'll shout with you. One, two, three. चल क्या रहा है।
रात के 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बोल सकते, चिल्ला नहीं सकते. When it rains, it pours. When it rains, it pours. It pours. Forever. Green. Forever. 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 पता है, मतलब एक चीज बोलेंगे कि एक जो ट्रैवलिंग होता है अकॉर्डिंग टू मी, ये मतलब बहुत जन होता है कि आज यहाँ रहते हैं, आज कल वहाँ रहते हैं, परसों यहाँ रहते हैं, परसों फिर घर आ जाते हैं. अगर मेरे को अगर कोई पूछेगा ना अगर ट्रैवल करना कैसा है, तो हम बोलेंगे स्पेसिफिक जगह डिसाइड करते हैं, 2-3 दिन वहीं का, एकदम रात दिन वहीं एकदम एक्सपीरियंस करते रह के उसके बाद आते हैं. मतलब 10 जगह जाना नहीं, 2-3 जगह आराम से एकदम, जो जगह जा रहे हैं उस जगह एकदम रुक के ट्रैवल करके, मतलब वहीं ट्रैवल एक्सप्लोर करके फिर कहीं और जाना आते जाना. मतलब बहुत बार हम भी गए ट्रैवल करने, मतलब सबको एकदम ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जगह जाने का हरी रहता है, मतलब कि हाँ यहाँ आए नहीं कि नेक्स्ट कहाँ जाना, वो डिसीजन चलते रहता है और कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो पाता ढंग से. तो वही हम भी जब कभी अगर ट्रिप के लिए निकले, तो हम तो यही चाहेंगे कि जेन्युइनली कहीं जाने पे मतलब पूरा 3 से 4 दिन बैठ के, हम जैसे स्पेसिफिक यूरोप ट्रिप पर गए, तो हम यूरोप में जाके एक सिटी या कुछ एक जगह हम पूरा एकदम प्योरली डेज तक एक्सप्लोर करना चाहेंगे, 2-3 दिन 3-4 दिन. ऐसा नहीं कि एक दिन एक सिटी में गए, एक दिन दूसरा सिटी में गए, दूसरा इतना सिटी में गए, वो मेरे को एक नहीं पता, एक्सपीरियंस नहीं दे पाता मेरे लिए तो खास करके. सही बोला है, रियल लाइफ एमबी ना, मतलब है ही इतना, मतलब पर सेट जैसा लग रहा पर सेट. क्वीन 같다는 말을 왜 쓰게 됐을까? Mega 간다.
큰 애들과 잘 먹겠습니다. Cheers. Cheers, cheers. 오. 방금도 끝났잖아. 미치겠다. 미쳐 진짜. 폭풍 때문에 하루 빨리 가겠다. 감사합니다. 식사. 너무 자막이 나오죠? 자막이 나오겠지를 몇 번 하는 거야? 이렇게 알아요? 나 귀찮은데 귀찮지가 않네. 어떻게 해야 되지? 귀찮아. भाई खत्म हो गया ओ भाई ओ भाई लगा नहीं 10 मिनट का था लगा 2 मिनट में खत्म हो गया बट जेन्युइनली ग्रेट फ्रॉग ओ माय गॉड उफ ग्रेट वीडियो जेन्युइनली मजा आ गया और लिटरली हमको का वीडियो मतलब ट्रैवल में लास्ट चीज हमको इंटरेस्ट है बट जेन्युइनली इसको देख के मतलब ये ब्लॉग को देख के हमको ट्रैवल करने का मन कर गया और जेन्युइनली एक मतलब होता है ना कि हाँ कि एक्सप्लोर करना और जो एंजॉय करने का जो मूड सेटअप करना रहता है जो ये ब्लॉग अच्छा से कर पाया जो मतलब होता है ना कि एक पर्सनैलिटी अपना एक वीडियो में डालना वीडियो में एक जैसे आरएम का पर्सनालिटी उसका व्लॉग में तुम एज अ पेंटिंग देख पा रहे थे एज अ मतलब वो हर एक चीज़ का ऐसा पेंटिंग शोकेस करना ट्राई कर रहा था जैसे एडिटिंग में भी दिखा कि हर एक चीज़ ऐसा स्टिल फ्रेम में एक कैनवस की तरह दिखाया जा रहा था तो जेन्युइनली मज़ा आया व्लॉग देख के और हम भी सीखेंगे इसी सीख रहे हैं लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट तो जेन्युइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस और मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी के लिए चलते हैं बाय बाय टाटा सी यू सायोनारा और हाँ जाने से पहले मेरे को परसों कमेंट आया हम रिप्लाई करना भूल गया कि नहीं बोलता एक लिटरली वीडियो में मेरे को कमेंट आया आर यू ड्रंक भाई कौन सा एंगल से हम ड्रंक दिखते हैं भाई पता है बियर्ड बिहेव करते हैं कैमरा के सामने क्योंकि I actually don't know how to behave in front of camera, but हो सकता है किसी को लग सकता है क्योंकि स्पेस आउट करने का आदत है मेरे को कि कुछ हम अच्छा देखते हैं ना थॉट में खो जाते हैं करना क्या चाहिए स्पेस आउट करना है फिर एक अचानक से मेरे को थॉट्स आता है कि हाँ अचानक से ये पर यस आई डोंट ड्रिंक ओ भाई हम ऐसा इंसान है कि भाई खाना ज़्यादा पसंद करेंगे ड्रिंक करने से जेन्युइनली मतलब भाई क्यों हमको तो अभी तक तो कोई रीज़न ही समझ में नहीं आया कि भाई कोई अल्कोहल कंज्यूम करने का ये लोग मतलब जैसे BTS पे जैसे एग्जांपल ले लो नेगेटिव वे में नहीं दिखा रहे कि हाँ अल्कोहल को वो लोग भी पीता है कि हाँ पार्टीज के बाद में कमेंट पर हमको जेन्युइनली हमको तो स्मेल ही इतना ख़राब लगता है और जब हमको स्मेल कुछ चीज़ का ख़राब लगता है हम खा नहीं पाते या पी भी नहीं पाते तो जेन्युइनली मेरे को जो चीज़ हमको इंटरेस्टेड मतलब कैसे बोले टेस्टी नहीं लगता तो हम उसको तरफ देखते भी नहीं हैं हम लिटरली
आइसक्रीम ज्यादा प्रेफर करेंगी पार्टीज में, खाने खाने का ज्यादा अल्कोहल तो आज तक कभी पिए नहीं है ना, आगे जाके पीने वाले। नो स्मोकिंग ऑल्सो, तो